आज हम लोग चैप्टर 3 का करंट इलेक्ट्रिसिटी का कुछ टॉपिक्स का फर्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम जो अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉस करता है, चाहे वो लेफ्ट टू राइट हो, राइट टू लेफ्ट हो, उससे मतलब नहीं है। टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसिंग पर सेकंड थ्रू ए एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर कोई एक कंडक्टर हम लोग लेते हैं, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर करते हैं, और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया ए से जो है चार्ज क्यू चार्ज जो है पास कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग पर सेकेंड टू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, डेट इज आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये सब फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे व्हेन क्यू डजंट डिपेंड अपॉन टाइम। और अगर हमारा ऑल्सो इफ क्यू वेरीज विद टाइम तब देन आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, तब हमारा करेंट जो होता है वो डी क्यू बाई डी टी के बराबर होता है। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्यू डिपेंड्स अपॉन, अब इसका ऐसा यूनिट देखिए, ऐसा यूनिट जो होगा क्यू का हो गया कूलम्ब पर सेकेंड, इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पीयर कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ये फंडामेंटल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट है, चार्ज जो है वह हमारा डिराइव क्वांटिटी है, करंट इनटू टाइम होता है, तो करंट का ए से ही डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे एम्पीयर। अब इस पर हम लोग एक क्वेश्चंस बनाते हैं, यहाँ किसी क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन से जो है 10 प्रोटॉन राइटवर्ड जा रहा है और 10 इलेक्ट्रॉन लेफ्टवर्ड आ रहा है, तो हमारा करंट कितना होगा। लिखेंगे क्वेश्चन में इफ 10 प्रोटॉन moves from left to right per second through any cross section and 10 electron from right to left पर सेकेंड एट डेट क्रॉस सेक्शन, देन व्हाट विल बी द करेंट। फर्स्ट ऑप्शन है 0 एम्पीयर, सेकेंड ऑप्शन है 10 ई एम्पीयर, थर्ड ऑप्शन है 20 ई इन एसआई यूनिट, यहाँ भी इन एसआई यूनिट कर दीजिए, और डी में है -10 ई इन
SI यूनिट। सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि टोटल चार्ज यहाँ पर हम लोग को चाहिए थे। Q बराबर जो है 10e इलेक्ट्रॉन का प्लस 10e प्रोटॉन का बराबर 20e हो गया और t बराबर 1 सेकेंड हो गया। देयर फॉर I बराबर जो है Q बाई टी बराबर 20e बाई 1, तो I बराबर हो जाएगा 20e इन SI यूनिट। अगर इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया C, अगर हम लोग को इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 20 × 1.6 × 10⁻¹⁹ इसको काट दो तो ये 3.2 × 10⁻¹⁸ एम्पीयर। तो यहाँ पर हम लोग को यह नहीं देखना है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रलाइज हो गया या माइनस या प्लस मिल करके जीरो हो गया, नहीं। इस क्रॉस सेक्शन को टोटल कितने चार्ज ने क्रॉस किया, जैसे मान लो कि यह एक गेट है, इस गेट से लेफ्ट टू राइट 10% जा रहे हैं और राइट टू लेफ्ट 10% आ रहे हैं, तो टोटल कितने परसेंट ने गेट को क्रॉस किया पर सेकेंड, तो 20%। इसलिए हमारा 20e जो होगा इन प्रॉपर SI यूनिट जो है इलेक्ट्रिक करेंट हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन इसी पे हम लोग करते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है I का फॉर्मूला यूज किया Q by T, जब हमारा चार्ज जो है वह टाइम डिपेंडेंट नहीं है। अब हम लोग वैसा क्रॉस सेक्शन लेते हैं जहाँ का चार्ज जो है वो टाइम डिपेंडेंट है और तब उससे का हम लोग करेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर चार्ज जो हमारा है वह टाइम का फंक्शन है, टाइम डिपेंडेंट है, इसलिए चार्ज जो है वो वेरिएबल हो गया। जब चार्ज हमारा वेरिएबल है टाइम के रिस्पेक्ट में, तब हमारा इलेक्ट्रिक करेंट का जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वह सॉल्यूशन लिखिए फर्स्ट में, तो वह फॉर्मूला होगा I बराबर dt ऑफ Q। अब Q का वैल्यू डाल देंगे dt ऑफ 3t स्क्वायर प्लस dt ऑफ 5t और प्लस dt स्प्रेड हो गया सभी पे 2। अब यह हो गया 3 बाहर आ गया dt ऑफ t स्क्वायर प्लस 5 बाहर आ गया dt ऑफ t और 2 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन हो गया 0। ये हो गया 3, यहाँ हो गया 2t और प्लस हो गया 5, ये हो गया 60 प्लस 5 I का फॉर्मूला। अब इसी का दूसरा पार्ट है, तो दूसरा पार्ट यहाँ हम लोग देख लेते हैं। यहाँ आ जाएगा दूसरा पार्ट, तो दूसरा पार्ट देखिए। दूसरा पार्ट में हम लोग को निकालना I एट t बराबर 3 सेकेंड पे, तो I 3 बराबर हो गया 6। यहाँ लिख देंगे पहले I बराबर it इज इक्वल टू 60 प्लस 5, I3 बराबर 6 × 3 प्लस 5 इज इक्वल टू हो गया 23 एम्पियर। I बराबर 23 एम्पियर जो है ये फाइनल आंसर आ गया, 6 × 18 × 18 = 23। अब हम लोग को देखना है कि किसी कंडक्टर में जो करंट हमारा पास कर रहा है वो करंट को कंस्टिट्यूट कौन कर रहा है, यानी चार्ज पर यूनिट टाइम को तो हम लोग करेंट बोले, अब करेंट को कंस्टिट्यूट किसके टर्म में या करेंट फ्लो कर रहा है, तो वह टर्म हम लोग को फाइंड आउट करना है, वह क्वांटिटी या आइडेंटिटी फाइंड आउट करना है जिसके फॉर्म में इलेक्ट्रिक करेंट जो है वह हमारा पास। तो इसमें हम लोग जो है एक कंडक्टर लेंगे सॉलिड स्टेट में, दूसरा है सेमी कंडक्टर और तीसरा है इलेक्ट्रोलाइट। तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं जिसका नाम टॉपिक का करेंट कैरियर।
that in TT, in terms of which electric current flows is called current carrier. In case of conductor, एक नंबर में देखिए, फर्स्ट में कंडक्टर अगर हमारा सॉलिड स्टेट में है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन यही हमारा करंट कैरियर कहलाता है। दूसरा सेमी कंडक्टर, अगर सेमी कंडक्टर है तो करंट कैरियर जो है हमारा इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, दोनों करंट कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड। और तीसरा इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में करंट कैरियर जो है कटायन एंड आयंस, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस लिख सकते हैं, कटायन अनायंस या पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो ये करंट कैरियर है, ये तीनों सिचुएशन में जो है इन्हीं के टर्म में करंट जो है हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, करंट का मोशन होगा। यहाँ जो है सॉलिड के केस में जैसे एग्जांपल हम लोग एल्युमिनियम ले लेते हैं, तो एल्युमिनियम का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, तो ये आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन है। तो ये 13 इलेक्ट्रॉन है एल्युमिनियम में, तो 13 के 13 इलेक्ट्रॉन हमारा करेंट कैरियर नहीं कहलाएगा क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल का। इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होंगे केवल वही इलेक्ट्रॉन करंट को कैरी करते हैं, इसलिए उससे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसलिए कंडक्टर में करंट कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं कहला करके फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक मोबाइल इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हमारा इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, ये तीनों नाम हम लोग दे सकते हैं। यहाँ पर भी जो सेमी कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, सभी इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वे हमारा नहीं होते हैं करंट कैरियर, यहाँ भी हम लोग मोबाइल इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हेलो, मान लेते हैं हम लोग कंडक्टर कंसीडर करते हैं, एक कंडक्टर हो गया। इस कंडक्टर का लेंथ जो है वह एल हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वह ए हो गया, और इस कंडक्टर में थर्मल एजिटेशन के कारण इलेक्ट्रॉन्स जो है वह इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चला, यहाँ टकराया, फिर यहाँ से चला, यहाँ टकराया, यहाँ से फिर यहाँ टकराया, यहाँ से फिर यहाँ तक, यहाँ से फिर यहाँ टकराया, यहाँ से फिर यहाँ टकराया, यहाँ से फिर यहाँ टकराया, यानी ये जिगजैग पाथ पर जो है ये मूव करेगा। इस रैंडमनेस के कारण किसी भी क्रॉस सेक्शन को अगर कंसीडर कर रहे हैं तो किसी क्रॉस सेक्शनल पॉइंट पे जितना लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा उतना ही राइट टू लेफ्ट आ रहा होगा, यानी एवरेज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएगा, यानी कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ड्यू टू रैंडमनेस द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकम्स जीरो। Q1 प्लस Q2 प्लस .. Qn डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर ड्रिफ्ट स्पीड क्या है, तो ड्रिफ्ट स्पीड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का समझने के लिए अब इस कंडक्टर में हम लोग क्या करेंगे, इसके क्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे।
तो देखिए ये बैटरी हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है इसके पास। बैटरी कनेक्ट करने से या पॉजिटिव निगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है राइटवर्ड डायरेक्शन में जो है डेवलप हो गया, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। तो अब यहाँ पर मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन है तो वह फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इस फोर्स के कारण आइसोलेशन डेवलप होगा। आइसोलेशन के कारण यह एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करेगा। अब यह चलेगा तो यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टकरा गया। तो मान लेते हैं कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है जो U1 थर्मल वेलोसिटी से इधर चला और चल करके यहाँ दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा गया। टकराने के समय इसकी वेलोसिटी हो गया V1 और ये बीच का जो टाइम लगा tau1, जिसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे। फिर यह एक फ्रेश थर्मल वेलोसिटी से यहाँ से चलेगा, फिर आगे दूसरे से टकराएगा V2 वेलोसिटी, फिर जो है एक फ्रेश वेलोसिटी U3 से चलेगा, फिर तीसरे से टकराएगा। इस तरह जो है बार बार ठोकर खाते हुए इलेक्ट्रॉन जो है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक मूव करेगा। तो इस मोशन के दौरान किसी एक पोजीशन को जब एक से ज़्यादा बार क्रॉस किया जाता है तो वैसे मोशन के लिए हम लोग ड्रिफ्ट वर्ड यूज करते हैं। जब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ट्रांसफ़र हो जाए लेकिन बीच में किस पैटर्न में यह ट्रांसफ़र हुआ है इसकी जानकारी नहीं हो तो उससे के लिए हम लोग शिफ्ट वर्ड यूज करते हैं। और अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र हो और बीच के ईच एंड एवरी पॉइंट पर एक ही बार अगर पार्टिकल क्रॉस करता है तो उसके लिए मूव वर्ड यूज करते हैं। और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच कोई एक पॉइंट ले लेते हैं आर्बिट्रेरी पॉइंट, इस पॉइंट को एक से अगर ज़्यादा बार कोई पार्टिकल क्रॉस करता है मोशन के दौरान, जैसे आगे थोड़ा चला फिर बैक हो गया, फिर थोड़ा चला फिर बैक हो गया, इस तरह अगर कोई चलता है तो इस मोशन के लिए हम लोग ड्रिफ्ट वर्ड यूज करते हैं। तो ये अंदर इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद हम लोग को देखना है जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन एक एंड ऑफ कंडक्टर से दूसरे एंड तक मूव करेगा उसी वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लिखेंगे द एवरेज वेलोसिटी डेफिनेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, द एवरेज वेलोसिटी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड one end of conductor to another end is called drift velocity। तो ये रीडिंग मान लिया तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का V1 है, दूसरे का V2 है, इस तरह VN है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यह हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 1, वेयर V1 एंड V2 यहाँ लिख सकते हैं, वेयर V1 एंड V2 डॉट VN आर द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट टाइम ऑफ अब हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद जो है हम लोग ये डिराइव करेंगे कि इस VD का फॉर्मूला क्या होगा। तो ये तो डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन पे आपको जो है हाफ मार्क्स अलॉटेड हो जाएगा वेलोसिटी के डेफिनेशन पे हाफ मार्क्स। अब हम लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम लोग डिराइव करेंगे इसी फॉर्मूला का डेरिवेशन फाइनल क्या होता है। डायग्राम सेम है, यही डायग्राम रह जाएगा। इंट्रोडक्शन में हम लोग लिखेंगे कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया कंटेनिंग number density of
electrons small electric field across which V voltage is applied as shown in figure. अब यह इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग यहाँ पर फोर्स निकालना है, फोर्स कितना लगेगा, तो यह इंट्रोडक्शन पार्ट है, इस पर भी आपको जो है हाफ मार्क्स मिल जाएगा इसमें इंट्रोडक्शन पे। अब जो है हम लोग द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन एफ बराबर माइनस ई एक्सेलरेशन इन इलेक्ट्रॉन ए बराबर फोर्स बटा मास। इस पर एक्सेलरेशन निकालने पर भी हम लोग को हाफ मार्क्स मिलेगा। जो चर्चा हम लोग ने किया एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो, यस इससे हम लोग को मार्क्स मिलेगा यानी वन एंड हाफ मार्क्स मीटर मिल चुका है। ये देखिए इंट्रोडक्शन का है, एक्सेलरेशन का है, रैंडमनेस का है और हाफ मार्क्स आपका था डेफिनेशन पे। दो मार्क्स हो चुका है, एक मार्क्स अभी बचा हुआ है, थ्री मार्क्स में ये पूछता है क्वेश्चन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वी वन और वी टू निकालेंगे। Plus A
प्लस क्यू टू क्यू एन प्लस ए टॉ वन प्लस टॉ टू टॉ एन अब इसका एवरेज हम लोग ले लेंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन वन से इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 3d, 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 3d। इक्वेशन थ्री से इसका वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग 0 प्लस a और इसका लिख सकते हैं टॉवर एवरेज लिखेंगे ग्रेयर। तो ये जो हम लोग v1 v2 कैलकुलेट करेंगे इस पर हम लोग को हाफ मार्क्स मिल जाएगा यहाँ पे, तो 2.5 मार्क्स हो गया फाइनल। अब जो है हम लोग यहाँ पर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टॉ एवरेज बराबर टॉ वन प्लस टॉ टू प्लस डॉट डॉट टॉ एन बाई एन। अब ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम वर्ड क्यों दिए हैं, तो जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला फिर टकराया, फिर चला फिर टकराया, फिर चला फिर टकराया, तो दो कोलिजन के बीच जो है इलेक्ट्रॉन अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि मिस्टर इंडिया फिल्म में अनिल कपूर मोगैम्बो को एक झापड़ दिया और थोड़ी देर के बाद अब मोगैम्बो फिर जैसे ही संभला दूसरा झापड़, फिर जैसे संभला तीसरा झापड़, तो दो लगातार झापड़ के बीच मोगैम्बो क्या सोच रहा होगा, आई एम रिलैक्स। ठीक उसी तरह सक्सेसिव कोलिजन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच इलेक्ट्रॉन अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रहा होगा, यानी उस बीच कोई ऑब्स्टेकल नहीं है उसके मोशन में, इसलिए हम लोग इस टाइम को जो है रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं और टाउ वन टाउ टू टाउ एन से डिनोट करते हैं। इन्हीं रिलैक्सेशन टाइम्स का जो एवरेज लिया है उसको एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हम लोग बोलेंगे। तो ये जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हम लोग बोले हैं इस पे हाफ मार्क्स आपको मिलेगा। इस तरह जो है 3 मार्क्स का यह क्वेश्चन है, हर एक डाटा निकल चुका है। अब हम लोग को इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और इसको 4 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 4, 1, 2, 3 एंड 4 से लिख दीजिए फ्रॉम, इसका तो हम लोग लिख ही चुके हैं वैल्यू। देयरफॉर वीडी इज इक्वल टू, ये 0 हो गया ए का वैल्यू, माइनस ई ई बट्टा एम इक्वेशन नंबर 2 से आ गया टॉ एवरेज। तो यही हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, अल्सो ड्रिफ्ट स्पीड। अगर ड्रिफ्ट स्पीड हम लोग को कैलकुलेट करना है तो वी डी बराबर हो जाएगा ई ई टॉ एवरेज बाई एम, यानी माइनस साइन हट जाएगा, डायरेक्शन का कंसेप्ट है। इसी वेलोसिटी से हम लोग पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो राइट टू लेफ्ट इस्टेब्लिश हुआ और इलेक्ट्रॉन जो है लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो कन्वेंशनल डायरेक्शन लिया जाता है वह हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लिया जाता है, यानी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट। वास्तव में सॉलिड के केस में हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये डायरेक्शन उसके अपोजिट है, इसलिए सॉलिड के केस में कंडक्टर में जो करंट कंस्टिट्यूट किया हुआ इलेक्ट्रॉन उसके करंट को इलेक्ट्रॉनिक करंट बोले, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन जो है वह हमारा कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन के अपोजिट। अब स्ट्रिक्ट वेलोसिटी के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि ई चार्ज है, एम इलेक्ट्रॉन का मास है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, टॉ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, जिसके टर्म में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकला। हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऐसा फार्मूला चाहिए जिसको हम लोग मेजर कर सके, कैलकुलेट कर सके। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोग जो है कंडक्टर के इनसाइड कितना है नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं,
कंडक्टर के अंदर कोई स्पीडोमीटर लगा करके इलेक्ट्रॉन के मोशन को कंसीडर नहीं कर सकते हैं, वेलोसिटी को या स्पीड को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। जैसे बाइक में स्पीडोमीटर लगा दिए तो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, कंडक्टर के अंदर स्पीडोमीटर नहीं लगा सकते हैं। तो हम लोग कर क्या सकते हैं कि इस सर्किट में एक अमीटर फिट कर देंगे जिससे करंट हम लोग मेजर कर सकते हैं, लेंथ मीटर स्केल से मेजर कर सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया स्क्रू गेज से मेजर कर सकते हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वैलेंसी से हम लोग पता कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए या ड्रिफ्ट स्पीड कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट के टर्म में एक रिलेशन चाहिए जिस रिलेशन से हम लोग प्रैक्टिकली मेजर कर सके कि यह ड्रिफ्ट स्पीड होगा कितना। तो उसको मेजरेबल बनाने के लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक का नाम हम लोग लिखेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक का नाम हो जाएगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड। इसमें भी हम लोग को कंसीडर ही करना है, तो फिर लिखेंगे सर्किट सेम रह जाएगा, लिखेंगे इंट्रोडक्शन में कंसीडर एक कंडक्टर ऑफ लेंथ एल हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया containing number density of electron n, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे इंट्रोडक्शन हो गया चार्ज कंटेन q बराबर नंबर डेंसिटी n है यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया ए एन, तो यह हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज e, तो यह हो गया टोटल चार्ज। हम लिखेंगे इफ टी शायद इफ वी डी बी ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन then time taken by electron to move from one end to another end बराबर हो जाएगा l बटा dt, टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड। अब जो है इक्वेशन नंबर वन इसको मानेंगे, टू इसको मानेंगे, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, यहाँ लिख सकते हैं हम फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट I बराबर q बाई t, q का वैल्यू डाल देते हैं एन ए एल बी बाई टी का वैल्यू डालते हैं एल इंटू वी डी। अब जो है एल एल जो है कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो जो कैंसिल होकर के बचा यहाँ आई बराबर बच गया हमारा एन ई ए वी डी, यही हो गया रिलेशन। अब हमारा आई जो है ए अमीटर के थ्रू हम लोग मेजर कर सकते हैं, अमीटर के द्वारा एन जो है गिवन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया स्क्रू गेज से मेजर कर सकते हैं और वी डी को कैलकुलेट कर सकते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। कल इस पे क्वेश्चन जो है आप लोग बना करके आइएगा 3.13, और हम लोग जो है इसके आगे करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी नेक्स्ट क्लास में।